नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गोरखपुर मैरिज लॉन में पड़ा छापा, चार कमरों में संदिग्ध हालत में पाए गए 8 युवक और युवतियां। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग, 10 लोगों की मौत तो कई घायल। श्रद्धा हत्याकांड के मामले में आफताब पुनेवाला का परिवार दिल्ली पहुंचा, पुलिस ने दर्ज किए और नए बयान। तमिलनाडु में तेल और दाल के व्यापारियों के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग का पड़ा छापा। तमिलनाडु के रानीपेट जिले में भीषण बारिश, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। गुजरात चुनाव, पीएम मोदी आज करेंगे 4 रैलियां, ओबीसी और हरभजन की भी रोड शो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज, बुरहानपुर के रास्ते एमपी में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। आज बिहार यात्रा पर जाएंगे आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव से करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर मुलाकात। कोविड-19 संक्रमित को समय पर रेमडेसिविर दिया जाए तो मौत का खतरा हो सकता है कम, स्टडी रिपोर्ट में खुलासा। और पीएम को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर आया ऑडियो मैसेज, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का नाम आने से हलचले हुई तेज।